बाकी सब लोगों ने जो कुछ भी कहा और बताया, और मैं यदि नाम लेने लगूं तो पूरी रात गुजर जाएगी नाम लेने में, लेकिन मैं जिन दो लोगों के भरोसे पर मुंबई आया हूं, उसमें एक धर्मेंद्र नाथ ओझा है और एक अक्षत पांडे है। धर्मेंद्र नाथ ओझा का नैतिक साहस और अक्षत पांडे का कमिटमेंट, वो दो चीजें हैं जो मुझे मुंबई ले आए। दूसरी ये चीज है कि इसमें एक प्लान जैसे ये बना मुंबई का, बहुत सारे मेरे मित्र मुंबई के लिए कह रहे थे, जिसमें हमारे नौजवान रंगकर्मी हैं जो कुछ फिल्म में कर रहे हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ सारे लोग हैं, तो और गिरिजा शंकर जी जब ये गए और वहाँ दिल्ली में प्लान हुआ 2015 में प्लान हुआ कि जन्मदिन मनाया जाएगा, तो उसमें हुआ कि पीपुल्स बर्थडे मनाया जाए, मैंने कोई राजा महाराजा का नहीं, जनता के आम आदमी का भी जो आम जर्नलिस्ट है, तो उसमें रूस के एम्बेसडर हमारे दोस्त थे और उन्होंने कहा कि हम आपको स्पेस दे देते हैं, और उस समय काफी हमारे दोस्त जो मित्र थे तस्लीमा नसीम, रघु राय, जतिन दास, ये सब एक तरफ थे, दूसरी तरफ असगर वजाह, केदारनाथ सिंह और इस तरह के लिटरेचर के लोग थे, तीसरी तरफ देवराज अंकुर और ये सारे वामन केंद्रे और सब लोग थिएटर के लोग थे, तो ये सब बनता रहा, चलता रहा और ये सब होता रहा। उसमें ये था कि मुझे ये था कि जब मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने अपने जर्नल का एडिटर बनाया, तो मुझे ये था कि मुझे देश के नौजवानों को जोड़ना है, और एक जो हमारे कुल गुरु जिसको कहे हैं बच्चू भाई, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, संयोग से ये मेरे इलाके के भी हैं और इन पर मैं किताब भी लिख रहा हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए, क्या बात। तो बच्चू भाई से हमारी अक्सर चर्चा होती थी कि वो जो वॉइसेज है, दोज वॉइसेज मैंने जो कि मार्जिनलाइज्ड है, और एनएसडी ने एक हमारे देश में जो एक उसको ब्राह्मण संस्कृति उस सेंस में समझिए कि एक प्रिविलेज कल्चर पैदा किया है कि यदि हम पर एनएसडी का ठप्पा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस तरह से वो था। तो मैंने कहा कि जो बाकी रंगकर्मी अपने जान की बाजी लगाकर इस देश के कोने कोने में मणिपुर से लेकर गोवा तक और इधर से उधर काम कर रहे हैं, उनको कहां हम स्पेस दे सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम देश के ऐसे 15 रंगमंच के चंद्रगुप्त को ढूंढें जो 10 साल बाद बड़े डायरेक्टर बनने वाले, उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सपोर्ट करे और मैगजीन में, तो हमने कमीशन किया बहुत सारे लोगों को, जिसमें एक है नीरज कुंदेर है, आप जरा सबसे पिछड़ा इलाका, लेकिन इनके एक इशारे पर हजारों आर्टिस्ट आ जाते हैं। एक है उसमें अभिषेक पंडित हैं आजमगढ़ से, ये पत्थर पर धूप जमा रहे हैं, मतलब वहां कोई स्थितियां नहीं है जीने की और काम करने, लेकिन आजमगढ़ में जहां की एक थिएटर हॉल नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं है, ये वहां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करते हैं इंटरनेशनल सिनेमा, तो ये वहां से आए हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं देश में, वो कहां जाएंगे, अशोक पाठक हैं, आप इनको जानते होंगे, पंचायत में बड़े गीत होंगे, उन्होंने एक बात को कहा कि मैं हिसार गया था एक वर्कशॉप करने जाट कॉलेज में, वहां मैंने इनको उदय प्रकाश की थीरी सुनाई और इन्होंने कहा कि यदि आप नहीं मिले होते तो मैं मजदूरी कर रहा था बहुत जिंदर की फैक्ट्री में, और ये वहां से निकले जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, जिनके सपने नहीं थे, तो हमने क्या किया कि तमाम नौजवानों में एक सपने रोपे और हमने कहा कि यस यू कैन डू इट, अब आगे बढ़ो, हम लोगों को जहां से साधन मिलेगा उसी में। हमारे पास सुभाष मिश्रा जी टकरा है, ये प्रेस क्लब में हम लोग अपना रसरंजन में मगन थे, तो इन्होंने कहा जी भाई क्या रायपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो सकता है, तो मैंने कहा हाँ हो तो सकता है, चलो करते हैं। फिर क्या शानदार वो रायपुर में फेस्टिवल हुआ था, उसमें अतुल जी भी गए थे और कई लोग गए, ओमपुरी, सौरभ शुक्ला, पवन भाई, ये अमित राय, ये सारी गैलेक्सी रायपुर पहुंची थी। रायपुर में जहां कोई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं होता, ट्राइबल इलाका है, वहां से थोड़ी ही दूरी पर वो बम फोड़े जा रहे थे, गोलियां चल रही, और मुख्यमंत्री थे वहां के, उन्होंने हर समय वही सब लोग सवाल पूछते हैं कि आपको हमसे क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा कि आप इस बात को भूल जाओ, पैसे से कुछ नहीं होता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप आइए और फेस्टिवल को इनॉग्रेट कर दीजिए। जनरल बीके सिंह आए वहां, यमन में वो ऑपरेशन संभाल रहे थे, निकाल रहे थे लोगों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आऊंगा जरूर, आपने कहा है, तो वो आए, सारे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी आने वाले हैं अभी, वो गए, और इन किसी ने हम सबसे पैसे नहीं मांगे,
विक्रम जी मुंबई के लोग इसके लिए बदनाम है, बिना पैसे के कुछ नहीं करते। तो ये इन लोगों ने कोई पैसा नहीं मांगा, कहा कि नहीं आप अच्छा काम। ये हमारे सुहेल तिवारी जी हमारे बीच बैठे हैं, इनकी फिल्म हम ले गए कि इतने सारे लोग, अविनाश दास भी गए वहां आजमगढ़, और अविनाश दास को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट चीज है, ये इतने आसान नहीं। ये इनसे हमारा लव हेट रिलेशन है जो 10 साल से चलता है, 15 साल से, लेकिन ये हमारी इज्जत करते हैं। जब इनका जन्म भी था तो मुझे लेने ये कार लेकर आ गए थे, ये और राम कुमार सिंह। अब अविनाश सीधे हैंडल कर रहे हैं तो ये सारा कुछ हो गया, तो होता गया। तो बाद में जो ये किताब की जो अवधारणा कैन फिल्म फेस्टिवल में बनी, तो हमारे कान के दो चार सहयोगी हैं, एक तो रमेश टेकवानी है जो जिन्होंने पेरिस में एक फिल्म फेस्टिवल बहुत हिम्मत करके इंडियन फिल्म फेस्टिवल शुरू किया, और ये एसोसिएशन के काफी दिन तक ही रहे, और एक देवेंद्र शिवाजी जाधव है, ये भी कान के हमारे कान फिल्म फेस्टिवल के साथी हैं, और ये सारे लोग आते थे। कारवां बनता गया, तो हुआ कि नहीं बॉम्बे में भी इसको किया गया। फिर मैं हिंदुजा को इनवाइट करने गया कि 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है और ये सब है, तो उन्होंने कहा कैसे जन्मदिन है, तो मैंने कहा मेरे दोस्तों ने कर दिया है, फिर कहा कि नहीं ये जन्मदिन मैं होस्ट करता हूँ। तो मैंने कहा पहले आपने कहा होता तो हम जुगु जिमखाना बुक करते, तो कहा कि अभी कर दो। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे उतना ही चाहिए जितनी मुझे जरूरत है, तो उतना ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। वो कोई भी मान लीजिए कोई भी शहंशाह पूछे तो हम तो कहते हैं कि शहंशाहों का इंतजार कौन करे, इतनी फुर्सत कहां फकीरों। तो ये सब चलता रहा कि विक्रमजीत रॉय मिले, इन्होंने इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कैन फिल्म फेस्टिवल में। यदि इंडियन पैविलियन आज बहुत शान से रन हो रहा है, इसके पीछे विक्रमजीत का हाथ है। ये एनएफडीसी के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन ये अहंकार नहीं देंगे, कितने साधारण बैठे हैं टूटा होता बैठकर। और इंडिया में जो फिल्म फेलिसिटेशन ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो दुनिया भर की फिल्मों को यहाँ शूटिंग कराता है, उसके ये ऑफिसर है, इंचार्ज है। क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म इनके ही कारण से इंडिया में शूट हुई है। तो ये सारे लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो हम सब ने फिर सोचा, जैसे मैं पढ़ने लिखने वाला हूं, कल राम कुमार जी से मेरी बहुत हॉट डिस्कशन हुआ इसी सब चीजों पर। मैंने कहा कि देखिए हमारे यहां सिनेमा हमारे एकेडमी का हिस्सा क्यों नहीं हिंदुस्तान, मेरा सवाल। अब देखिए दुनिया में हम लोग कैन फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं, वहां का कैटलॉग देखते हैं, बर्लिन जाते हैं, वेनिस जाते हैं, वहां के कैटलॉग में दुनिया के बड़े बड़े फिल्मकारों के नाम पढ़ते हैं, उसमें उसके बायो में लिखा होता है कि उसने फलाना इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, उसने इवन अब्बास किरोस्तामी को ले लें। मैंने पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आ रहे। तो मेरी थीसिस है जिस पर मैंने लिखा है कि भारत का जो बेस्ट टैलेंट है अभी वो फिल्म मेकिंग में नहीं आ रहा, और जो लोग भी अच्छी फिल्में 100 साल में बना चुके हैं उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्सीडेंटल सिनर्जी, उसके कारण बनाए, चाहे हमारे कुंदन शाह के जाने के यारों हो, चाहे मुगले आजम हो, चाहे कोई भी फिल्म से ले लीजिए, वो एक्सीडेंटल सिनर्जी हो, वो उसके कारण नहीं है। ये मेरी धारणा है, हो सकता है मुझसे असहमत हुआ जा सकता है। तो वहां ये सब हम लोग देखते थे, और जैसे 15 वर्ष कान फिल्म फेस्टिवल में गए, और वहां मैंने एक बार लिखा था उसमें उनके बारे में कि सत्यजीत रे के बाद यूरोप में यदि सबसे पॉपुलर कोई फिल्म मेकर हुआ तो अनुराग कश्यप, तो वो है, वो एक फैक्ट है। आप मैं तुलना नहीं कर रहा हूं सत्यजीत रे से अनुराग कश्यप, वो क्वालिटी आप बहस करते रहिए, लेकिन ये जानते रहिए सब लोग उसकी फिल्म रमन रावत के लिए 1.5 किलोमीटर कैब में विदेशियों की लाइन लगी, टिकट दिलवा, मेरे पास 50 फोन आ रहे थे किसी तरह उसका एंट्री पास दिलवा दीजिए। तो वो ब्रांडिंग जिस तरह से दुनिया में बननी चाहिए हमारे सिनेमा की, वो नहीं बनी है। फिर अनुराग कश्यप ने भी जागरण फिल्म फेस्टिवल में कहा था कानपुर में जब हम लोग होस्ट कर रहे थे अतुल जी साथ थे, आप कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए इंडियन सिनेमा, कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने कुछ नहीं कहते, फिर आप ओलंपिक में क्यों मेडल जीतना चाहते हैं। तो यदि हिंदुस्तान ओलंपिक में मेडल जीतना चाहता है तो हमारी फिल्मों को भी हक है कि वो कान, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो, बुसान इसमें मेडल जीते। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 94 से कोई हमारी फिल्म ऑफिशियल सिलेक्शन में है ही नहीं कान में, 94 आखिरी साल उसमें कोई ऑफिशियल सिलेक्शन, और ये जानते हैं कि वहां ऑफिशियल सिलेक्शन के बाद कोई
अब वो कहना थोड़ा भद्दा होगा लेकिन कोई नहीं पूछता उसको, तो क्यों नहीं होनी चाहिए। बर्लिन ने इंडिया को बहुत सपोर्ट किया। अभी एक नया टैलेंट ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म में करा राहुल जैन, जिसने इनविजिबल डेमन्स डॉक्यूमेंट्री बनाई पॉल्यूशन पर, जर्मनी ने उसको सिटीजनशिप ऑफर कर दिया है और बर्लिन में काम कर रहा। सोनक सेन को कैन में इंट्रोड्यूस करने के लिए इसने चीनों के संरक्षण पर डॉक्यूमेंट्री बनाई ऑल दैट ब्रीथ्स। कान का डायरेक्टर थेरी फ्रेमो अपने दफ्तर से उठकर ये उस ऑडिटोरियम में आया उसको उसके स्वागत में, और सनडांस में उसको ग्रैंड जूरी प्राइज मिल चुका। ये दो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की अभी इस तरह से चर्चा है। अश्विनी चौधरी, आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैरेलल जिस तरह से एक योट किराए पर लिया, पहली बार किसी हिंदुस्तानी ने कान में एक योट किराए पर लेने का साहस किया, जहां जहां कमल हासन, जहां वो एआर रहमान, उसमें बहुत सारे लोग और उन सारे लोगों के बीच में भी था, तो हम अपनी शामिल करने जाते थे इनके योट, कभी नहीं हुआ था अभी कान में। जिस तरह से इन्होंने क्रिएट किया उस तरह से बड़ा वाह भाई वाह। मेरा कहना है कि हमारे नौजवान जो इतना सोच रहे हैं, ये वामन केंद्र ने मुझे बताया कि वो बर्लिन फेस्टिवल में गए और हमारे हिंदुस्तानी थिएटर को कोई पूछता ही नहीं, कोई नाम लेवा नहीं। तो मैं यही सोचता था कि जैसे हम गोदार का नाम लेते हैं, फेलिनी का नाम लेते हैं, स्पीलबर्ग का नाम लेते हैं, सब नाम लेते हैं, तो ये जो हमारे फिल्म मेकर है इनकी उपस्थिति क्यों नहीं है। मैंने इसके सर्च किया और मैंने इसका निष्कर्ष निकाला, इसलिए कि सिनेमा इज नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम।